तो लास्ट क्लास हम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वगैरह पढ़ा था, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं आज। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग लिखा था, बस इसको लिखना पेंडिंग है, तो आराम से सबसे पहले आज इसको लिखेगा एंड देन आगे फर्दर डिस्कशन करता है बेसिक्स के रिगार्डिंग। सबसे पहला था इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, दोनों एक ही बात है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, दो अकाउंटिंग इज अ साइंस, एक तरह का साइंस ही है ये, बट स्टिल अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, एक एसेट का यूजफुल लाइफ कितना माने वो तो जजमेंट के ऊपर है। कोई एक एसेट को 5 साल का लाइफ मान सकता है तो दूसरा अकाउंटेंट उसको 7 साल मानेगा, कोई 10 साल भी मान सकता है, कोई 2 साल भी मान सकता है, राइट? तो ये क्या, ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर है ना। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स, डिसाइडिंग ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस टू बी मेड, ये समझ में आया, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। जैसे कि सपोज तुमको पता है कि नेक्स्ट ईयर तुम्हारे बिजनेस का बहुत टाइम हो चुका है, तुमको नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस में पेंट वगैरह करवाना है, फर्नीचर को वापस पॉलिश वगैरह करवाना है। अब उसमें कितना खर्चा जाएगा ये तो एस्टिमेशन है। सस्ता पेंट लेगा तो कम में काम हो जाएगा, महंगा पेंट लेगा तो महंगा लगेगा, लेबर महंगा हो सकता है उस टाइम, तो तुम्हारा एस्टिमेशन के ऊपर है कि आज तुम कितना पैसा साइड कर दे फ्यूचर का खर्चा के लिए, उसको अपन बोलते हैं प्रोविजन, क्लियर है? सो दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, यहाँ पे पर्सनल है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डिस्टेंस, लेंथ ये सब पढ़ते हैं ना साइंस का चैप्टर्स में। अब पुलिस वालों के पास रिवॉल्वर होता है, उस रिवॉल्वर को एक सर्टेन डिस्टेंस से आप फायर करोगे ना तो सर्टेन स्पीड तक जाके वो टारगेट को टच करेगा। नाउ दिस इज अ साइंस, कितना डिस्टेंस से करना है, लेकिन भाई चलाना है या नहीं चलाना वो साइंस थोड़ी ना है, वो तो पर्सनल जजमेंट है ना। तो दिस इज द लिमिटेशन। सिमिलरली अकाउंट्स में भी बहुत सी जगह हम लोग को क्या करना पड़ता है, पर्सनल जजमेंट लगाना पड़ता है कि ऐसा करे या नहीं करे। इज इट क्लियर? सो अकाउंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंट्स आर, या फिर अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन विथ सर्टेन
principles, rules, and regulations. Therefore, the profit disclosed by it may not be realistic example. Use of historical cost concept to show the asset. ये समझ में आया क्या? नहीं आया. Historical cost concept तो एक और disadvantage था ही ना. वो इसी हाँ वो तो है ही. जैसे कि देखो क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, दैट एनी एसेट इफ यू परचेज उसको आपको उसके कॉस्ट वैल्यू पे दिखाना है. अब उसका फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट वैल्यू बहुत बदल चुका है, लेकिन अकाउंट्स तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन. तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है इट माइट नॉट बी रियलिस्टिक. सो सकता है ख्याली पुलाव है, ऐसे दिख रहा है, प्रॉफिट है ही नहीं प्रैक्टिकली. Because of certain accounting rules and regulations. गलत नहीं कर रहा, ये limit कर रहा है चीजों को. जैसे कि prudence, prudence क्या करता है, मेरे को पता है मेरे business में फायदा होगा, but prudence उसको record नहीं करने देगा ना. तो जो मेरा profitability जो दिख रहा है current year का, वो realistic का है, उसको तो मैं record ही नहीं कर रहा हूँ. Even future के losses को मैं record कर रहा हूँ आज, तो मेरा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो रियलिस्टिक का है, ओरिजिनल नहीं है. तो ये मेरे रूल्स की वजह से हो रहा है, ये लिमिटेशंस है अकाउंट की. कोई गलत नहीं है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक. हमने ऐसा नहीं बोला कि ये फॉल्स है, बट रियलिस्टिक नहीं है. रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखे कि यदि तुमको पता है कि तुम्हारे धंधे में प्रॉफिट होना श्योर शॉट है अगले साल, तो उसको बेचारे को दिखाना चाहिए ना, तब जाके तुम्हारा ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा. क्लियर है? बस वही, दिस इज द रीजन की द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन. इट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर है? नंबर थर्ड, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव informations in accounts we record only those transactions which can be measured in terms of money, है ना? Any transaction which cannot be expressed in terms of money are ignored. ये तो लिमिटेशन हो गया ना. एग्जाम्पल, क्वेरल बिटवीन टॉप मैनेजमेंट. यदि जो कंपनी का टॉप लोग आदमी है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट ये क्या करेगा, ये तो रिकॉर्ड नहीं करेगा. शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं,
हाँ वो भी कर सकते हो, डिस्प्यूट ऑफ बिटवीन द शेयर होल्डर्स, क्वेरल बिटवीन टॉप मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हो सकता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये शो करे कि बिजनेस का लॉस जा रहा है, बट उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट ये तो बुक्स में दिखेगा नहीं ना, ये तो इग्नोर कर देगा इस बातों को। अरे कोई साल, कोई एक साल दो साल हमारा बिजनेस का खराब जा सकता है, बट उसका मालिक अच्छा है, उसके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, अंदर का वर्क कल्चर अच्छा है, ये तो अकाउंट छुपा देगा क्योंकि उसको हमें रिकॉर्ड ही नहीं करने देगा। बट दीज आर ऑल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्या है, क्वालिटेटिव है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हो गया क्वांटिटेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, All the accounts are prepared as per this concept, that is, any asset acquired in business is recorded at its original price, original price, original price मतलब जितने में हमने खरीदा है। It ignores any effects of changes in price, for example, land and building purchased at the rate rupees 10 lakh having market value of rupees 50 lakh, हम लोग किस वैल्यू पे दिखाएगा? 10 लाख हमारे बुक्स में एवरी ईयर 10 लाख पे आ रहा होगा ये, बट देखो प्राइस चेंज हुआ, बेचारा वैल्यू बढ़ गया, हम लोग को चेंज्ड वैल्यू दिखाना चाहिए ना, बट दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो ध्यान रखना, जब भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आएगा आपको यही लिखना है, कभी पूछे कि एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, दैट इज परचेज प्राइस, एनी फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस इज इग्नोर्ड, यही सेम कंसेप्ट लिखना। तो लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा एसेट का वर्थ बढ़ गया, तो बुक्स में एसेट बढ़ना चाहिए ना, तुम्हारा बैलेंस शीट में तो एसेट उतना का ही पड़ा है। आज तुम लोन लेने जाएगा, तुम्हारा बैलेंस शीट देखेगा बैंक वाला, तो बैलेंस शीट में तो लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का दिखेगा, तुम उसको बोलेगा अरे सर प्रैक्टिकली आज इसका वैल्यू 50 लाख है, लेकिन वो मानेगा नहीं ना, उसका वैल्यू ही नहीं मिल रहा है तुमको। और ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे बुक्स में एक एसेट है 5 लाख का, जिसका आज वैल्यू है 2 लाख, तो गलत दिख रहा है एसेट, इन्वेस्टर को लगेगा वाह बहुत एसेट है, लेकिन उनको क्या पता, घर दिखने से बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर जाएगा तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, बैठने के लिए सोफा नहीं है, खंडर सा है सब कुछ, उनको थोड़ी पता है, राइट? तो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट।
लिमिटेशन है तो जैसे ये 10 लाख वाला आपने 7 लाख दिखेगा ही जो है, इसका आगे जाके प्रोविजन आता है, रिवैल्यूएशन बोल के कंसेप्ट आता है, बनाया गया प्रोविजन, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया गया, हायर लेवल में कंसेप्ट मिलेगा क्लास 12 में, तुम लोग जब पार्टनरशिप बिजनेस में पढ़ेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तब अपन रिवैल्यू करते हैं मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके हमारी बैलेंस शीट को ठीक करते हैं, तो वो है कंसेप्ट। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, incomplete information, accounting statement shows results for only one financial year, hence it is incomplete because actual performance or result of the business can only be known when it is permanently closed। बताया था ना, जब आपको किसी की पर्सन के बारे में रिव्यूज पूछे, वो रिव्यूज इनकम्प्लीट है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है बोलेगा आज अच्छा है, कल को वो कुछ बुरा काम कर ले खराब हो जाए, तुम आज उसको बुरा बोलेगा कि ये तो पढ़ाई में भोंदू है, कल को टॉपर निकल जाए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब भगवान जी के पास होंगे वो, तब अपन बोल सकता है नहीं ये अच्छा है या बुरा है, फाइनल कंक्लूजन टू बी हैंग टिल डेथ। मरने का पोजीशन वहां से बच के निकल गया, उसके बाद कैसा कैरेक्टर होगा क्या पता। ठीक है, समझा। सिमिलरली बिजनेस में भी हमारा एक फाइनेंशियल ईयर का पोजीशन पता चलता है, लेकिन पूरा एक्चुअल में वही पोजीशन आगे रहेगा या नहीं रहेगा वो तो नहीं पता चलता ना, श्योरिटी नहीं है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, क्या समझा था हमने इसमें? यस, सम शॉर्ट ऑफ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझना, विंडो ड्रेसिंग मीन्स अ प्रैक्टिस टू मैनिपुलेट का मतलब छेड़खानी करना, मीन्स अ प्रैक्टिस टू मैनिपुलेट अवर बुक्स और अकाउंट्स। सो दैट अवर financial statement discloses more favorable position of
business. Show that our financial statement discloses more favorable position of business. जान पूछ के हम लोग छेड़खानी करता है. Example, overvaluation of closing stock. मार्च के टाइम में ना, हाँ ईयर एंड में स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिखा देना. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ईयर एंड सेल्स रिकॉर्डेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सेट्रा. समझ में आया? ये समझाऊंगा आज मैं तुम लोग को ये क्या होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कैसे इससे, सिर्फ इसकी वजह से हम लोग हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदल सकते हैं. द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट यही है. नहीं टोटल ठीक है, बहुत गजब चीज है. इसके साथ हम लोग पूरा प्रॉफिट के साथ खेल सकते हैं. बाकी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन रिलायबल है, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, बट ये जो कैलकुलेशन है क्लोजिंग स्टॉक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है. इसका ही डिस्कशन करेगा आज अपन. पहले तो ये समझना क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है. क्या चीज? यस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दिया हम. फिनिश्ड गुड्स इसका मतलब बना बनाया, जस्ट बेचना है. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइंग अनसोल्ड इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए तो भैया और भी कोई गुड्स होता है क्या. जब मैंने यहां लिखा स्टॉक ऑफ गुड्स भी तो लिख सकता था मैंने, बट मैंने क्या लिखा, फिनिश्ड गुड्स लिखा, राइट. इसका मतलब जस्ट फिनिश्ड गुड्स, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग बिजनेस. आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग बिजनेस, जो बना बनाया खरीदते हैं और बेचने के लिए. जैसे कि सपोज मेरे को कैलकुलेटर का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, तो जितने कैलकुलेटर मेरे दुकान में एज ऑन ईयर एंड में पड़े हैं उसी को मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूंगा. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. Closing stock is a event, not a transaction. Closing stock एक event है, transaction नहीं है. अब transaction और event समझा था हमने. Annual function. Yes, event is a result of transaction. तो यानी closing stock कोई खरीदता बेचता नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग सर्टेन आइटम्स को प्लस माइनस करके निकालता है. अब क्या प्लस माइनस करता है वो समझता है पहले, फिर हम बताएगा कि मैंने क्यों यहाँ पे सिर्फ फिनिश्ड गुड्स कंसीडर किया. इसका मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज बिजनेस में एज ए स्टॉक रहती है, उसको हम लोग स्टॉक नहीं बोलते. एक वाइडर डेफिनेशन होता है, वो टर्म यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में है वो. कभी कभी स्कूल वाले पूछ लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, तब अपने को क्लैरिटी चाहिए. अब पहले समझता है कि ये इवेंट कैसे, इवेंट कैसे. सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है और उसमें तुम एक ही आइटम बेचता है मैगी.
मैगी के अलावा कुछ बेचता ही नहीं है, बहुत डिमांड है तुम्हारा, दुकान में सिर्फ एक ही आइटम बिकता है मैगी। तुम्हारे एरिया में एक ही चीज चलता है, चांग चोंग सांग, बस उन लोग वाला लोग ही है, तो अपने को सिर्फ मैगी और चाउमीन वही चाहिए। तो सपोज अब कैसे निकालूं ईयर एंड में मेरे पास कितना मैगी का स्टॉक पड़ा है, हाउ विल यू कैलकुलेट? यस, उससे पहले इफ धंधा कंटिन्यूएशन में है तो पिछले साल का कुछ पड़ा होगा ना, राइट right? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। कल जब दुकान का शटर लगाया था तब जो माल पड़ा था अगला दिन का वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, राइट right? तो सपोज तुम्हारे पास में ओपनिंग स्टॉक था कम से कम 50,000 रुपए का मैगी पड़ा दुकान में, बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा होलसेलर है, 50,000 रुपए का मैगी पड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है, इतना स्टॉक पड़ा है। फिर ड्यूरिंग द ईयर हम लोग बिजनेस में खरीदते हैं और दुकान में सिर्फ जितना पड़ा उससे तो होगा नहीं ना, परचेज भी तो करते हैं, तो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। कितना का परचेज किया तुमने, बोलो अपने मन से, कितना, 25,000 का और मैगी परचेज किया। अब तुम्हारे स्टॉक में कितना होना चाहिए, 75,000, राइट। अब कुछ बेच भी तो दिया होगा, राइट। अब बताओ जो हम लोग बेचता है वो किस वैल्यू पे बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे बेचता है या सेलिंग प्राइस पे? ये सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यदि तुमने एक पैकेट मैगी 7 रुपए में खरीदा, उसमें 3 रुपए का प्रॉफिट लगाएगा, 10 रुपए में बेच देगा, 10 रुपए इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मैगी, राइट। तो यहां से एक बात बताओ, ये क्या है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट परचेज कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, तो ये जो टोटल आया ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अभी जो तुम्हारे दुकान में पड़ा है। अब इसमें से मेरे को माइनस सेल्स करना चाहिए या माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करना चाहिए, क्यों, वो भी तो सेल्स के रुपीस में नहीं होता है क्या, उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है। जब सुनो अब एक बात बताओ, तुम्हारा लेवल का एडुकेशन आज जो तुम पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी, अब तुम अपना क्लास 5 का भाई बहन को यदि घर जाके पूछेगा ये बताओ तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना कंपैरिजन होता है, वो बोलेगा एक काम करो मेरा सिलेबस का बुक खोलो उसमें से कुछ पूछो, ये क्या बात है, आप आया बोला क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बताओ तो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है बताओ, तुमको यही नहीं आता अभी तक, ये कोई कंपैरिजन है क्या? तुम्हारा पढ़ाई का कंपैरिजन तुम्हारा लेवल का स्टूडेंट के साथ होगा। अब सचिन तेंदुलकर को बोलेगा कि तुम क्या बोलता है कि रोनाल्डो की तरह किक मार के दिखो, हम किक नहीं मार सकता, बैट से जरूर मार सकते हैं, बैट से जरूर मार सकता है। अब रोनाल्डो को बोलेगा कि तुम लोग तुम सूर्य कुमार यादव की तरह 360 डिग्री मार के दिखाओ, बोलता फुटबॉल घुमा सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता ना, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। सो कंपैरिजन हमेशा बराबर में होना चाहिए ना, तो जब हम लोग सारा एलिमेंट कॉस्ट का लिया है, हाउ कैन वी कंपेयर विद द सेल्स, तो किससे कंपेयर होगा, कॉस्ट से ही कंपेयर होगा, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, इसमें से 40,000 रुपए का मैगी बेच दिया, 40,000 वैल्यू का मैगी सेल आउट कर दिया। अब जो तुम्हारे पास पड़ा है कितना पड़ा है, इसी को बोलते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां कोई ट्रांजेक्शन है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग प्लस माइनस करके, क्योंकि देखो हर चीज का ट्रांजेक्शन होता है, परचेज करते हैं तो बिल आता है, सेल करते तो बिल होता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का कैसा बिल, ये तो हमने वैल्यूएशन किया ना,
सो इट इज एन इवेंट, इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन. ये समझ में आया? क्लियर है? एक पॉइंट लिखाया था कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्या था? जल्दी जल्दी बोलो. वो कौन सा वैल्यू कम होगा? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट, बे सर मुझे बोला था रिवाइज करो, तब खाली एक पेज खोल के बोला रिवाइज हो गया. इतना इजीली रिवाइज हो जाए तो तुम्हें कंप्यूटर ब्रेन नहीं होता क्या? इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआरवी, विच एवर इज क्लियर छे? समझ में आया? मगज में रहेगा ना ये चीज, हाँ, कि क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट है, ट्रांजेक्शन नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर. Why we value closing stock at cost or NRV, whichever is lower? बहुत दुगड़ा मार खाएगा रे तुम लोग. Because of consistency, baba. Because of conservatism or prudence concept. Clear है? अब फिर से पूछो मेरे को, भैया वहां पे finished goods क्यों लिखा? पूछो पूछो कि इधर हम फिनिश्ड गुड्स वर्ड क्यों यूज किया. और पहला बात है, हम गुड्स वर्ड क्यों यूज किया? स्टॉक. अब तुम्हारा ऑफिस के अंदर में एसी लगा हुआ है, उसको स्टॉक बोलेगा क्या? वो तो तुम्हारा एसेट है, ठीक है? तो गुड्स जिसमें अपन डील करता है, और गुड्स भी कौन सा? फिनिश्ड गुड्स के लिए क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है. इसका मतलब भैया कुछ और भी होता है क्या? हाँ होता है ना. क्या क्या होता है पता है? गुड्स में बहुत चीज काउंट होता है. एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यस वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि तुम लोग हो अभी, ठीक है? देन एक होता है फिनिश्ड गुड्स. वही तो हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस को ही तो अनफिनिश्ड बोलता है. ये तीनों को जब मिलाता है, देन इट बिकम्स अ डेफिनेशन इन्वेंट्री. और भी बहुत सारा चीज होता है, मैं उनको नहीं टच कर रहा, ठीक है? और भी बहुत सारा चीज होता है, बट मेरे को इतना ही टच करना है, तुम लोगों को समझा सकूं व्हाट इज इन्वेंट्री एंड व्हाट इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. इन्वेंट्री का मतलब है, एक होता है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. और भी कुछ चीज रहता है, ठीक है, वो नहीं कंसिडर कर रहा मैं यहाँ पे. जैसे एक फैक्ट्री है, सपोज बिस्किट बनाने का फैक्ट्री है. बिस्किट कैसे बनते हैं? खाली खाता ही है क्या? आटा, मैदा, दूध, घी, चीनी, ये सब चाहिए ना बिस्किट बनाने के लिए. तो तुम्हें क्या लगता है, तुम एक फैक्ट्री के अंदर में एक किलो आटा लाता है, एक किलो मैदा लाता है, एक किलो घी लाता है, दूध लाता है, ऐसे बनाता है क्या? बल्क में लेके आता है ना, बल्क में, क्वांटिटीज में, क्विंटल्स में, टन्स में, लीटर्स में लेके आता है, क्योंकि फैक्ट्री है वो तो चलता जाएगा. तो जितना बन गया वो बन गया, और जो नहीं बना वो तो रहता है ना स्टॉक में, तो वो भी तो तुम्हारा स्टॉक ही है. बट हम लोग बोलते हैं उसको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर दे, जो अपना एग्जिस्टेंस को लूज कर दे. जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ही इज द रॉ मटेरियल, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करता है, उस फॉर्म को चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आपके पास में कोई भी ऐसा सामान,
जैसे कि आपको बिस्किट बनाना है तो आपके फैक्ट्री में जो मैदा पड़ा है, जो चीनी पड़ा है, एक बार तुमने उन सबको मिक्स कर दिया, क्या फिर तुम उसको मैदा के नाम से बेच सकेगा क्या, या चीनी के नाम से बेच पाएगा? फिर तो अलग ही फॉर्म हो गया ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्लियर है? जैसे पानी, पानी से तुम शरबत बनाया, अब वो किस नाम से बिकेगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल चुका है, टेस्ट भी बदल चुका है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं रॉ मटेरियल। कोई भी ऐसा चीज जो अपना एग्जिस्टेंस लूज कर ले, सेम उस नाम और उस फॉर्म में नहीं बिकेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है? अब मशीन में तुमने डाला, बिस्किट्स कट होके निकला, फिर बेक होने गया, बट बेक होके ऑफिस टाइम खत्म हो गया, 31 मार्च हो गया, तो तुम्हारे पास पड़ा क्या? बैग्ड हुआ हुआ ऐसे ही नॉर्मल बिस्किट बेच पाओगे क्या? एक एक पार्ले जी का एक एक बिस्किट, भैया ये लो 1 रुपए 2 बिस्किट दे दो, पैकेट वाइज आएगा ना, यानी जब तक पैकेजिंग नहीं होगा उसको सेल नहीं कर सकता। तो वो जो जिस फॉर्म में पड़ा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स, पूरा कंप्लीट रेडी नहीं है बिकने के लिए। वंस द पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग इज डन, उसके बाद क्या है, वो फिनिश्ड बन गया, फिर अपन को उसको बेचना है। क्लियर है? समझ में आया इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो आप जो अपने बिजनेस में स्टॉक स्टॉक बोलते हैं ना, बेसिकली आप लोग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, क्योंकि आप लोग के पास बना बनाया सामान है जिसको बेचना है। लेकिन एक फैक्ट्री में वर्ड स्टॉक यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री इज अ वाइडर डेफिनेशन एज कंपेयर टू द स्टॉक। स्टॉक में तो सिर्फ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ रहा है, लेकिन इन्वेंट्री इंक्लूड्स फिनिश गुड्स भी इंक्लूड कर रहे हैं वो, बट इसमें दो चीज और आ गया, क्या? रॉ मेटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो ये समझ में आ गया कि स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। क्लियर है ये चीज? क्लोजिंग स्टॉक इज अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट, इट इज एन इवेंट। क्लियर? गुड। लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट आज डिस्कस नहीं करेंगे, इतना समझा अच्छा बात है, फिर मैं तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालना भी सिखाऊंगा। अब देखो, जाते जाते आज कुछ पढ़ते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट, खून में बसा हुआ है हम लोग का, जहां जाता है वहां मांग लेते हैं हम लोग, कुछ तो कम कर दो भैया, कुछ तो कम होगा ना, थोड़ा सा, इतना थोड़ी लेगा, फाइनल कितना लगाएगा ये बता दो, है ना? बार्गेनिंग मतलब करना ही चाहे स्कूल है, चाहे क्लासेस है, चाहे कहीं भी है, एक बार किए बिना मन भी शांत नहीं होता। कभी कभी तो पता होता है कि यार फिक्स प्राइस है, फिर भी मन का शांति के लिए भैया कुछ कम होगा क्या, या यही लगेगा क्या, राइट? दे ही दे, है ना? तो डिस्काउंट, अब नाउ डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। बेसिकली ये दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंट्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, आपको इसके वर्ड्स समझने पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हम दिन रात इन चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट वर्डिंग्स का ही खेल है। हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस टर्म्स को यूज करेंगे, बाकी लोगों को ये आता नहीं, बट पता उनको भी है, राइट? तो देखो, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या? यस, देखो ये क्या है, ट्रेड का मतलब क्या, धंधा करना, खरीदना बेचना, ट्रेड करना, राइट? अब जैसे कि सपोज तुम एक दुकानदार के पास गया और तुम बोला कि भैया हमको स्कूल के लिए कॉपी चाहिए,
क्लासमेट का कॉपी चाहिए, उसने तुमको एक कॉपी लाके दिया 400 पेज का, और तुम पूछा कितना हुआ, तो वो बोला इसका तो 250 रुपए है। ओके, कुछ कम होगा क्या? ना, नहीं होगा, क्योंकि तुम एक ही कॉपी ले रहे और होलसेलर के पास गया। अब तुम उसको बोलते हैं भैया हम 50 कॉपी लेगा, हम 50 कॉपी लेगा, बताओ कितना प्राइस लगाएगा? क्या अभी भी वो 250 पर कॉपी चार्ज करेगा क्या? अब तुम क्या कर रहे हैं, बल्क में परचेज कर रहे हैं। जब बल्क में परचेज करता है तो सामने वाला डिस्काउंट देगा। पहले वाले केस में आपका बिल कितने से बना होगा? एक कॉपी जब खरीदा होगा, सामने वाला बिल कितने से बनाएगा? 250 से। सेकंड वाले केस में जब तुम 50 कॉपी खरीदना है ना, तो वो बोल रहा है अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए हम 220 रुपए लगा देगा पर कॉपी, 220 रुपीज लगा देगा। 30 रुपीज कम किया ना। नाउ दिस 30 रुपीज इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड किया मतलब बार्गेनिंग करके तुमने कम करवाया। बिल कितने से बनेगा? 220 जितने से प्राइस फाइनल हुआ है, 220 रुपए से। जैसे मम्मी और सब्जी वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं ना एक किलो सब्जी कितने में दिया भाभी जी, ये तो 70 रुपए लगेगा। भैया 60 में देना है तो दो, या 50 में देना है तो दो। अच्छा ठीक है लेके जाओ। तो 60 रुपए फाइनल प्राइस से ही तो उनका डीलिंग हो रहा है ना। सो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जस्ट क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। यानी बार्गेन करने का मतलब है ट्रांजेक्शन फाइनल हुआ ही नहीं है। सपोज मैं बोलता 50 कॉपी ले रहा हूं ना भैया, हम तो 200 रुपए में लेगा। वो बोलता है हम 220 के नीचे देगा ही नहीं। हम बोले नहीं लेगा, चला जाएगा। तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? ट्रांजेक्शन कब होगा? जब डील लॉक हो जाएगा। वो बोला 220, हम बोला 200, बोला ना आपका ना मेरा 210 में डल कर। अब डील डन। मैंने ऐसा बोला, सामने वाले ने हाँ कर दिया, डील लॉक्ड। मतलब अब मेरे को खरीदना पड़ेगा। आई एम बाइंग दैट कॉपीज एट 210 एंड वो सेल कर रहा है, सो 210 से बिल बनेगा। ट्रांजेक्शन हो गया ना। तो यानी जो चीज का ट्रांजेक्शन होता है उसी का तो अकाउंटिंग करते हैं। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होना चाहिए क्या? अरे ट्रेड डिस्काउंट तो जस्ट बार्गेनिंग है। बिल में कहां लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट? हम लोग का तो बिल ही रिड्यूस वैल्यू से बनेगा ना। तो जिस वैल्यू से बिल बनेगा हम लोग तो उसका अकाउंटिंग करेगा। इफ 210 रुपए से डील हुआ तो बिल कितने से बनेगा? 210 से। तो हम अकाउंटिंग भी तो उसी का ही करेगा ना। तो यानी जो 40 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिला उसका अकाउंटिंग होगा क्या? सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ही नहीं होता। तो ट्रेड डिस्काउंट 40 रुपए। हाँ 40 रुपए हो गया। 250 को क्या बोलते हैं? 250 को बोला जाता है कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस, तुम कोई भी हार्डवेयर का दुकान या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का दुकान में जाना, उनके पास ना प्राइस लिस्ट रहता है। उनको इतने सारे आइटम्स होते हैं याद नहीं रहता है, तो है ना उन लोग ऐसे देख के बताते हैं इसका प्राइस तो ये, फिर उन लोग कैलकुलेटर मारते हैं आपके लिए ये प्राइस लगेगा। तो ये जो कम करके प्राइस बोला है ना, एक्चुअल में बिल उसी से बनने वाला है। जो कम किया है दैट वैल्यू इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? सो दिस इज गिवन फॉर बल्क परचेज एंड सेल। अरे बड़ा क्वांटिटी खरीदोगे तभी तो डिस्काउंट मिलेगा ना। एक दो पीस में कहां डिस्काउंट मिलता है, बट मोटा क्वांटिटी खरीदेंगे तो प्राइस भी कम होता है ना अपना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नो अकाउंटिंग इज डन। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग नहीं होता है, गांड बांध लेना। लॉजिक क्लियर है ना? क्यों नहीं होता? राइट अब जैसे कि वो 210 रुपए का तो होगा ही ना। हाँ 210 का होगा, 210 का होगा, वो मेरे लिए परचेज वैल्यू है। ठीक है, अब देखो एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में दो चीज है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड।
जैसे कि आप लोग यदि क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा तो पर एनम हम 15,000 लेगा पर स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोल, कभी कभी क्या होता है इंटर लेवल में या फाउंडेशन लेवल में वहां फीस स्ट्रक्चर हाई रहता है, तो कोई भी स्टूडेंट आता है ना तो जैसे बोलता है कि भैया कुछ कम होगा क्या, तो हम बोलते हैं देखो फाउंडेशन का फीस स्ट्रक्चर है 30,000, बोलते कुछ कम होगा क्या, बोला यदि तुम आज रजिस्ट्रेशन के टाइम सारा पेमेंट कर देता है तो हम तुमको 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। बट डील प्राइस क्या था, 30,000, 30,000 से ही तुम्हारा इनवॉइस बनेगा, 2,000 हम अपना तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा तब जब तुम अभी इमीडिएटली पे करेगा। मतलब कैश डिस्काउंट का यूज अपन कब करते हैं, जब फटाफट पैसा कलेक्ट करना होता है तो सामने वाले को हम एक्स्ट्रा लालच देते हैं, राइट। स्कीम ऑफर, इससे क्या हुआ, दो मेरा 2,000 का लॉस हुआ, बट कहीं ना कहीं मेरे पास लिक्विडिटी पहले आ गया ना, जल्दी आ गया। आपके स्कूल्स में भी ऐसा स्कीम रहता है बहुत सारा स्कूल में, कि पूरा साल का एक साथ में, जैसे हम लोग बहुत सारा क्लब्स या फिर रिचार्ज जब करवाते हैं स्कीम होता है, ठीक है, एक साल का मेंबरशिप तुम एक साथ लेगा तो तुमको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, लेकिन तुम मंथली पेमेंट करेगा तो नॉर्मल फीस लगेगा, राइट। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल कैश डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए तो नुकसान है ना, उसके लिए क्या हो गया एक्सपेंस, और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए क्या हो गया इनकम। तो बेसिकली एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका अकाउंटिंग होगा, क्योंकि हमने बिल, मैं जब फाउंडेशन के स्टूडेंट का बिल बनाऊंगा, मैं तो 30K से बनाऊंगा, अब उसे तुरंत पेमेंट कर दिया तो उसके अंदर नीचे में दिखाऊंगा कि 2,000 का मेरा कैश डिस्काउंट गया, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर मी। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। कैश डिस्काउंट इज गिवन टू रिसीव पेमेंट प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब फटाफट, जैसे तुम लोग होता है ना आजकल मोबाइल खरीदता है तो HDFC कार्ड में कैशबैक होता है, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में कैशबैक होता है, वो कैशबैक क्या है बेसिकली, कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट है। लेकिन बिल तो तुम्हारा नॉर्मल बनता है ना, जितने का फोन है वो, अकाउंटिंग इज डन। आया समझ में? तो आज फिर हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ और सीखा, ऐसे करते 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 सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे, बट मेक श्योर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इफ आप रिविजन करके नहीं आओगे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ नया पढ़ रहे हो, रिटेन कुछ नहीं रह रहा। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, बिकॉज आप जितना बार पढ़ोगे उतना ज्यादा डाउट्स आएगा, डाउट्स आएगा तो मैं रिजोल्व करूंगा, नए नए एग्जाम्पल्स लूंगा आप लोग के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास यहाँ तक प्रॉपरली एकदम रिवाइज करना, देन फिर थोड़ा जर्नी आगे बढ़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।